अमृता, वेलकम बैक टू माय चैनल पैम पे। यू होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, अमृता प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊँ जल्दी से जल्दी। सो गाइस, आज मैं एक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हम सब फेस करते हैं, सारे एज ग्रुप के लोग फेस करते हैं और वो हम सब के सर का दर्द बन गया है और हम सब इस सर दर्द से छुटकारा चाहते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अलग अलग क्लिनिक्स जाते हैं, इतने पैसे वेस्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट्स में, साथ साथ अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, पर फिर भी कुछ नहीं होता, पैसे वेस्ट होते हैं हमारे। सो गाइस, चलिए फिर विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर सस्पेंस मैं बताती हूँ मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है हेयर से रिलेटेड, जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में बात करूँगी, साथ साथ उसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँगी आपसे। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे हेयर रेमेडी के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, डैंड्रफ कम करेगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग को स्टॉप करेगा, बालों को मजबूत करेगा और साथ साथ बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा। सो गाइज, अगर बचपन की बात करें तो दिल को एकदम सुकून मिल जाता है, तसल्ली हो जाती है। अब बचपन के टाइम हम सबकी नानी दादी मम्मी इतने सारे घरेलू नुस्खे यूज़ करके हेयर ऑयल, बालों के लिए हेयर मास्क और अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाया करती थी जो कि असल में बहुत ही यूजफुल और नेचुरल हुआ करता था। उसके बाद मस्ती चंपी दिया करती थी, मज़ा आ जाता था गाइस। सो गाइस, मतलब वो दिन भी क्या दिन थे, याद करके ना दिल एकदम खुश हो जाता है। अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूँ तो गाइस ऐसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। हम सबकी लाइफ इतनी बिजी है, इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है और अनहेल्दी भी है साथ साथ, क्योंकि हम लोग बाहर का काफ़ी लोग बाहर का खाते हैं और साथ साथ हम लोग इतना डस्ट पोल्यूशन धूल मिट्टी में एक्सपोज होते हैं ना कि हमारा जो बाल है काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही ड्राई रफ हो जाता है, शाइन ख़त्म हो जाती है, हेयर फॉल होने लगता है और साथ साथ काफ़ी लोग को प्री मैच्योर ग्रेइंग की भी प्रॉब्लम होती है। इन सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसे मैजिकल हेयर ऑयल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके सारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे गाइस। सो गाइस, ये एकदम मैजिकल और अमेजिंग हेयर ऑयल है। सो गाइस, जो भी इंग्रेडिएंट इस हेयर ऑयल में यूज्ड है वो आपको ईजिली घर पे ही मिल जाएंगे, आपको मार्केट घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल होंगे। साथ साथ जो जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज्ड हैं वो सारे नेचुरल हैं और अफोर्डेबल भी हैं। सो गाइस, इस हेयर ऑयल में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अब अगर आपको बाल अच्छे चाहिए, सुंदर चाहिए, लंबे चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जाता है ना गाइस, मेहनत का फल मीठा। सो गाइस, चलिए विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो। ये हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले आंवला चाहिए। आंवला को इंडियन गूसबेरी भी बोला जाता है। आंवला में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं, हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं और साथ साथ हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज मेथी। मेथी को फेनोग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। इट इज़ रिच इन विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ए। इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड प्रोटीन। ये बालों में जो हेयर फॉल होता है उसको रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं और साथ साथ जो आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये सॉल्व करता है। सो गाइस, मेथी के बहुत सारे हेल्थ और हेयर बेनिफिट्स होते हैं। काफ़ी लोग तो हेयर ऑयल और हेयर मास्क में भी इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स को ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। सो गाइस, इसके भी बहुत सारे हेयर बेनिफिट्स होते हैं।
ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग को स्टॉप करता है, और अगर हमारे ड्राई हेयर्स होते हैं उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ साथ हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। सो गाइज, इसको भी काफ़ी लोग हेयर मास्क और हेयर ऑयल में यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ करी लीव्स। सो गाइज, करी लीव्स तो आप सबको पता होगा इसके बहुत सारे हेल्थ एंड ब्यूटी बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको इजली घर पे भी मिल जाता है या मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। करी लीव्स हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर लॉस को कम करता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग को स्टॉप करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को नारियल का तेल भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे हेयर एंड स्कैल्प बेनिफिट्स होते हैं। इसको वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल बोला जाता है फॉर हेयर टू रिड्यूस हेयर लॉस एंड इट मेक्स आवर हेयर हेल्दी। इट हेल्प्स टू मेक आवर हेयर ग्रो लॉन्गर, थिकर एंड शाइनर। इसमें जो भी विटामिन्स और फैटी एसिड्स होते हैं वो स्कैल्प को नरिश करने में हेल्प करते हैं। सो गाइज, काफ़ी लोग कोकोनट ऑयल डायरेक्टली बालों में लगाते हैं, काफ़ी लोग इसे मिक्स करके लगाते हैं और ऑयल्स के साथ। ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 1/2 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी और मैंने फ्लेम बहुत स्लो रखा है। अगर आप तेज़ रखोगे तो ऑयल जल जाएगा, इसे धीमी आंच रखेंगे हम। इसके बाद मैंने 4 to 5 आंवला को कट करके इसमें ऐड किया है, फ्लेम को स्लो ही रखा है और इसे पकने देंगे और थोड़ा चला लेंगे जिससे कि वो जले ना। आंवला को हम ब्राउन ही करेंगे, इसे ब्लैक नहीं होने देंगे, नहीं तो जो जले की स्मेल है वो ऑयल में भी आएगी। सो गाइज, इसे हम इसलिए पका रहे हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आंवला में वो ऑयल में आ जाएंगे। आंवला आप सबको पता है इसमें विटामिन सी बहुत होता है जो कि आपकी बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मैंने यहाँ मेथी लिया है, मैं मेथी के 2-3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी और मैंने फ्लेम स्लो ही रखा है और इसे धीमे धीमे पकाएंगे और चलाते भी रहेंगे जिससे कि ये जले ना। मेथी सीड्स भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बालों को मजबूत बनाता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी वो है कलौंजी सीड्स। मैं यहाँ 2-3 टेबल स्पून कलौंजी सीड्स ऐड करूँगी और मैंने फ्लेम बहुत ही स्लो रखा है, नहीं तो ये सीड्स जल जाएंगे। सो गाइस, कलौंजी सीड्स प्री मेच्योर ग्रेइंग में हेल्प करता है, ये भी बालों को मजबूत बनाता है। अब मैं ऐड करूँगी 1 स्मॉल कप करी लीव्स। सो गाइस, करी लीव्स तो आपको ईजली मार्केट में या घर में मिल जाएगा, काफ़ी लोग तो घर में लगा के रखते हैं इसे। करी लीव्स को हम हेयर मास्क में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और काफ़ी लोग इसे काफ़ी डिशेस में ऐड करते हैं, जैसे कि पोहा हो गया या और भी कोई डिशेस होगी। मुझे तो करी लीव्स की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से स्लो फ्लेम में पक गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद अब मैं इसे छान लूंगी एक जार में। सो गाइज, आप देख सकते हो जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे ब्राउन हो गए हैं और जो कलर है हेयर ऑयल का वो भी पेल येलो कलर का लग रहा है। मैंने छान लिया है, अब मैं इसमें रोजमेरी ऑयल ऐड करूंगी जिसके बहुत सारे हेयर बेनिफिट्स होते हैं। इससे आपके हेयर ऑयल में ना अच्छी फ्रेग्रेंस भी आएगी और इसे ढक्कन लगाकर धूप में इसे हम रख देंगे फॉर 10 डेज। इससे हेयर ऑयल काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। सो गाइज, ये हेयर ऑयल रेडी है, आप इसे वीक में 2 से 3 बार लगाइए, अच्छे से बालों में मसाज करिए,
फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश करिए, आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा 1 to 2 month की यूसेज के बाद। सो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज आप ज़रूर इस हेयर ऑयल को घर पे बनाइए और उसे यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आप अपने फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं जानना चाहती हूँ आपको ये हेयर ऑयल कैसा लगा और आपके ऊपर कैसा इफेक्ट आया इस हेयर ऑयल का। सो गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कष्ट करिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ अच्छे टिप्स, रेमेडी, मेकअप टिप्स, हैक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।